यस चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. ओके तो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी रेगुलर में क्या देखा है और जेई में किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो वो एक बार हम डिस्कस करेंगे फटाफट. तो सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है वो हमको अच्छी तरह समझना है. ठीक है, वी कैन सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज डिफाइंड एज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया. नो डाउट, सपोज देयर इज अ एरिया एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया विल गिव अस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया. नो डाउट, बट उसके लिए इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहना जरूरी है. समटाइम्स इट नीड नॉट टू बी, समटाइम्स इट इज नॉट. मतलब यहाँ पे सपोज कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है और उसमें एरिया जो हमने रखा है वो सपोज इस तरह से है जिसका नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज थीटा इतना एंगल करता है. तो ऐसे केस में हमको समझना है कि अगर ये डीएस है तो इस डीएस बार को हमको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना होगा जिसमें से एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जिसको हम बोल सकेंगे डीएस कॉस थीटा एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डीएस कॉस थीटा विद द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सो एज टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया. समटाइम्स इट इज बेटर टू रिजोल्व इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ. समटाइम्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एरिया ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा है, वैसे दोनों सिचुएशंस तो एक्चुअली इक्वलेंट ही है क्योंकि अगर इसको ही अगर ऐसा थोड़ा सा एक अलग एंगल पे देखो तो ऐसा दिखाई देगा हमको. नो डाउट, बट इन दिस केस इफ यू जस्ट कंसिडर दिस डायरेक्शन एज अवर रेफरेंस डायरेक्शन देन वी कैन जस्ट रिजोल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टू कॉम्पोनेंट्स वेयर इफ सपोज दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा देन वी कैन जस्ट रिजोल्व दिस ई इन टू टू कॉम्पोनेंट्स एंड वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स विल बी एक्चुअली ई कॉस थीटा. वी कैन जस्ट से this is going to be e cos theta. Okay, so this e cos theta multiplied by this whole area ds will also give the same thing, that is the electric flux passing through that area here. So here we have resolved the electric intensity itself and kept the area as it is, and here we have resolved the area vector ds bar into components and kept the electric field as it is. तो क्या करना है तो वो डिपेंड करता है कौन सा इजी हमको मिलता है. कभी कभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिजॉल्व करना इजी होता है तो कभी कभी एरिया वेक्टर को ही रिजॉल्व करना इजी होता है. नो डाउट, बट समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है, इट इज वेरिएबल, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड इट इज डिफरेंट इन डायरेक्शन ऑल्सो. सो इन दैट केस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड और एनी कर्व सरफेस लाइक दिस, तो इस सरफेस में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो हमको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा. एक्चुअली वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई बार डॉट डी एस बार. इसको ही हम ई बार डॉट डी एस बार भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार एंड डी एस बार, या इसको भी बोल सकते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार डॉट डी एस बार. नो प्रॉब्लम. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द formula for electric flux, remember correctly. Yes, this is all about the electric flux we have already seen. Okay, and what does the Gauss theorem tells us? Gauss theorem ka jo application hai, to Gauss theorem humko yehi batata hai simply ki the total flux passing through any closed surface, okay, closed surface, okay, is going to be actually equal to the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface divided by epsilon naught. Matlab, in short, we can say that the flux, total flux passing out through a closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught into the algebraic sum of all charges enclosed by that surface. This is basically the Gauss theorem, you know, which we can see simply. So it's a simple law.
तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक कोई क्लोज सर्फेस है, तो इस क्लोज सर्फेस के अंदर जितने भी चार्जेस रहेंगे Q1, Q2, Q3 सपोज, तो उनका एल्जेब्रिक सम हमको करना है, एंड दैट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ दैट सम ऑफ ऑल चार्जेस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दिस क्लोज सर्फेस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. यू टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या है टेक्निक से? Yes. First of all, we have that suppose there is a sphere, एक spherical surface हमारे पास है, ठीक है? और spherical surface से suppose कुछ r distance पे एक particular point है जहाँ पे हमको electric intensity ढूंढ के निकालना है. तो और इस spherical surface के ऊपर जो charge रखा हुआ है, it is given by q. Okay, q charge is kept on the surface of this sphere. एंड चलो मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है, उसका खुद का जो रेडियस है वो सपोज मान लेते हैं कैपिटल आर है, जस्ट लाइक वी हैव डन इट इन द ग्रेविटेशन, राइट? सो कैपिटल आर इज द गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड स्मॉल आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ और इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर. ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ कंडक्टिंग स्पीयर. रिमेंबर, इट्स अ conducting sphere, charged sphere, obviously. Okay, so whenever there is a conducting charged sphere, what happens is the charge is always spread on its surface only. So charge jo form hoga yahan pe, to uske surface pe hi hone wala hai. Kyunki matter conducting sphere jo hota hai, conducting sphere ke andar mein koi bhi charge hota hi nahi hai. और इसकी वजह से यहाँ पे अगर किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए जाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा इस तरह से. यूजिंग द गॉस थ्योरम वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट एंड वी कैन गेट इट एज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू सिंपली के इंटू 1/4πε0, मतलब ही के उसको हम बोल सकते हैं, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद क्यू अपॉन R square. Remember this correctly. So this is actually the electric intensity for at a point which is outside the sphere. Here you can say that this R is going to be greater than capital R. Then and only we can just get this formula. Okay. और एक बात हम समझ सकते हैं कि if we want to find out the electric intensity at the surface of such a sphere. Okay. अच्छा, एक बात याद रखो इसमें ठीक से कि a conducting sphere. Wherever it is charged, the charge always spreads on its surface, only surface, not inside. And because of that, a conducting sphere is just equivalent to hollow sphere, hollow charged sphere. Remember, hollow charged sphere or conducting sphere, एक ही है, कोई difference नहीं उनके बीच में, ठीक है? Hollow conducting sphere or hollow spherical charged conductor or conducting sphere. Charged sphere is going to be the same, no difference at all. Because अभी चलो भले ये भरा हुआ है, ये conducting sphere जो है वो भले भरा हुआ है अंदर से, suppose मान लो कि इसके अंदर समझो इसके अंदर कुछ ना कुछ material है, ठीक है? तो वो भरा हुआ है, no doubt. तभी भी charge तो उसके surface पे ही रहेगा. और अगर मान लो हमारे पास एक hollow sphere है, समझो ये एक होलो स्पीयर है हमारे पास, ये देखो ये सपोज होलो स्पीयर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है और उसको अगर हमने चार्ज रख दिया तो वो चार्ज भी ऑब्वियसली उसके सरफेस पे ही रहने वाला है. तो इसलिए कोई भी कंडक्टिंग हो या होलो हो, तो दोनों केस में ये स्पीयर्स अलग ही सेम ही होते हैं, ठीक है? बट वॉट इज डिफरेंट हियर इज नॉन कंडक्टिंग. अगर नॉन कंडक्टिंग और हॉलो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर जो होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर, इमेजिन करो ठीक से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर,
mean suppose this is the sphere and it is made up of non-conducting material and it is filled from inside. That means it is solid, but it is made up of non-conducting material actually. So that is going to be different from this two. तो ये जो है ये दोनों से वो अलग रहने वाला है. तो इसलिए न्यूमेरिकल के अंदर याद रखो ठीक से, वो कोई भी स्पीयर जो है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, दिस मैटर्स अ लॉट. अगर वो कंडक्टिंग है तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज होलो और सॉलिड, बिकॉज वैसे भी चार्ज उसके सरफेस पे रहने वाला है, नो डाउट. लेकिन अगर वो ये है, वो अगर बैड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर बना हुआ है, तो इट मैटर्स दैट वेदर इट इज होलो और सॉलिड. तो इन दैट केस द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस. सो यू सी हियर, अभी जैसा कि हम फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडक्टिंग स्पीयर के बारे में, तो वहां से आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने उसके लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है. अभी अगर सपोज हमको सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, सरफेस पे मतलब जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, इट शुड बी सेम एज द कैपिटल आर. क्योंकि जब ये सरफेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये पॉइंट जो है वो जब सरफेस पे आ जाएगा तब जाके स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर बन जाएगा. तो उस समय के इंटेंसिटी कितना होगा वहां पे, तो इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. This is actually going to be the formula for the intensity at the surface, we can say. ये हो गया surface का, वही यहाँ पे ये हो गया outside वाला, ठीक है, outside उसको हम बोल सकते हैं. और यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे formula for inside, okay, inside the sphere. तो inside के लिए क्या formula बनेगा, that means R is actually going to be less than capital R. So in this case, the electric field will be a big zero, no doubt. Because there is no electric field in the interior of this conductor, conducting charge sphere. Remember, तो कोई भी conducting charge sphere के अंदर की तरफ कोई चार्ज भी नहीं होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है. सो दीज थ्री रिजल्ट आर टू बी केप्ट इन माइंड. रिमेंबर MCQs विल बी आस्क्ड ऑन दिस बेसिस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड इनसाइड एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टिंग और हॉलो चार्ज स्पीयर, कंडक्टिंग सॉलिड और कंडक्टिंग हॉलो चार्ज स्पीयर विच आर इक्विवेलेंट ओनली. तो द सेम रिजल्ट्स कैन बी कॉपीड हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे इंटेंसिटी विल बी के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन आर, नो डाउट. हियर दिस ई विल बी के इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ऑल्सो फॉर आर इक्वल टू आर. एंड हियर दिस थर्ड थिंग इज दैट इंटेंसिटी विल एक्चुअली बी इक्वल टू जीरो फॉर द ऑल द पॉइंट्स वेयर A small r is less than capital R, means inside all these points, inside. So, yahan pe agar inside agar dekhenge yahan pe, suppose this point P is inside the hollow sphere, then intensity E will be zero here in this case. Okay, but at the surface, the intensity is given by this formula, and at the point which is outside the surface, the intensity is given by this formula. But one common thing is to be noted here, that is K is going to be actually 1 upon 4 pi epsilon naught, which we must know. And also you should know the value of K, that is 9 into 10 raised to 9, remember. So K ka value jo hai wo 9 into 10 raised to 9 hota hai. Matlab hi 1 upon 4 pi epsilon naught ka jo value hai, wo actually 9 into 10 raised to 9 hua karta hai. Iske chalte humko direct 4 pi epsilon naught ka value bhi mil jayega aram se. What is the value of 4 pi epsilon naught then? Just reciprocal of that, तो उसको अगर उल्टा कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 upon 9 into 10 raised to 9. तो याद रखो ठीक से, this is going to be the value of 4 pi, 1 upon 4 pi epsilon naught. And just epsilon naught, simply epsilon naught का value अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, so we can remember the value of epsilon naught, that is 8.85 into 10 raised to minus 9, minus 12, okay. न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम, सॉरी यस, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है. तो ये भी हमको याद रखना है. एंड इसके चलते 8.85 के जो मल्टीपल्स है तो वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं. जैसे कि 8.85 का डबल कितना होता है, यू कैन जस्ट से दैट इट विल बी 17
17.7 चेक करो, यस ठीक है। तो पहले चार पांच मल्टीपल्स उसके याद करके रख लो, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कभी कभी मल्टीपल्स भी आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ जाता है, नो डाउट। चलो ठीक है, और यहाँ पे एक बात और हमको यहाँ पे समझनी है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करते हैं, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इंटेंसिटी के हिसाब से अगर ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो दोनों के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्पीयर हो, डजंट मैटर, ग्राफ विल बी द सेम एंड दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो सपोज दिस इज द सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर जो है वो सेंटर हम यहाँ पे दिखाते हैं, दिस इज द सेंटर इज टेकन एट ओरिजिन दिस पे सपोज, एंड एक्स एक्सिस पे जो है वो हम ये आर दिखा देते हैं, आर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। सो हाउ विल बी द ग्राफ लुक लाइक, सी अप टू द पॉइंट ऑन द सर्फेस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सारे पॉइंट्स है उस पूरे रीजन में इंटेंसिटी तो जीरो होता है, तो इसलिए अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट अगर मार्क करेंगे जिसको हम कैपिटल आर बोल देंगे, तो ये कैपिटल आर क्या करेस्पॉन्ड करेगा, सरफेस करेस्पॉन्ड करेगा, सरफेस। तो जब तक हम सरफेस पे पहुंचते नहीं है तब तक द इंटेंसिटी विल रिमेन आइडेंटिकली जीरो लाइक दिस, सो द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी अप टू दिस पॉइंट विल बी जीरो नो डाउट, बट एज सून एज वी रीच एट द सर्फेस द इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय this formula which is given by this k into q upon r square, so we can just say that it will be somewhat high value and hence we can just get that this will be the point where the intensity lies at this point here surface pe, but as we go away from the surface the intensity outside the surface just varies inversely proportional to r square, correct hai? And since it varies inversely proportional to the r square we can just expect that intensity will just go on falling down. That means the variation of intensity will be like this, decreasing in this way. But it will never become zero because r square का जो value है, तो वो जब infinity बनेगा, तब जाके ये zero बनेगा. तो इसलिए हमको इसको zero zero बनाना नहीं है कभी. It will never become zero, but it again it will not be a straight line, but it will be a curve which will be decreasing like this, decreasing, decreasing and decreasing only. So see this graph here. So this is the intensity versus distance graph, which is identically zero before the radius of the sphere itself, and after the radius it decreases like this. So this is going to be the graph. ये बिल्कुल दिमाग में छाप लो ये graph, ठीक है? याद रखो इसको ठीक से. So the graph and this variation here, ये जो variation है यहाँ पे, it is one upon r square variation. Remember, ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है. One upon r square variation is different from one upon r या वन अपॉन आर क्यूब वेरिएशन, ओके? सो वन अपॉन आर स्क्वायर वेरिएशन का मतलब ये होता है कि व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड द इंटेंसिटी विल बिकम वन फोर्थ लाइक दिस इन दिस वे, एंड व्हेन द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड द इंटेंसिटी विल बिकम वन नाइन्थ एंड सो ऑन लाइक दैट, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वन अपॉन आर स्क्वायर वेरिएशन और इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन इसको हम बोल सकते हैं, नो डाउट। सो द सेम ग्राफ विल बी ऑब्टेंड हियर फॉर दिस हॉलो चार्ज्ड स्फीयर ऑल्सो, तो हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए भी वही ग्राफ हमको मिलेगा, इंटेंसिटी विल रिमेन जीरो सो फार एज द सेंटर अपीयर्स, सॉरी सरफेस अपीयर्स, एंड आफ्टर द सरफेस द इंटेंसिटी विल वेरी वन अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दैट, सो अकॉर्डिंगली दिस ग्राफ विल बी ऑब्टेंड हियर फॉर दिस हॉलो स्फीयर ऑल्सो, नो डाउट। वन मोर थिंग इट टू बी अंडरस्टूड हियर इज दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्यू एंड सिग्मा, वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। सो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कैन बी फाउंड आउट बाय जस्ट डिवाइडिंग द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द स्पीयर। सो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, चार्ज, हाउ मच चार्ज इज केप्ट ऑन द स्पीयर, Q, correct? And that Q has to be divided by the total area of this sphere. How much it is? This area is sphere का area है. तो क्यों कितना होता है? 4 pi r square हुआ करता है. हमको पता है already.
इसलिए वो 4πr² अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, बट डोंट फॉरगेट दैट इज r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ स्फीयर एक्चुअली, नॉट दिस स्मॉल r. दैट इज द कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R हमको यूज करना है. जब भी हमको सिग्मा की बात आती है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हमको कैपिटल R कंसिडर करना है एरिया निकालने के लिए, क्योंकि वो स्फीयर का एरिया हमको निकालना होता है. उसकी वजह से यहाँ पे जो Q अपॉन 4πr² ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है, जिसके चलते Q का भी वैल्यू हमको मिल जाएगा आराम से. Q विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4π इंटू कैपिटल R² इंटू सिग्मा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, which if suppose we put it here in this formula, then we can just get the formula for electric intensity at a point outside the surface of this hollow conducting charge sphere or conducting solid charge sphere. It will be simply equal to K into, yahan pe Q ke badle kya aane wala hai? Ye dekho, 4π capital R² into sigma aane wala hai. And that is to be divided by what? R² small R² simply. So we can just get this small R² replaced here, so that in the next step we can just be able to get this as E is equal to. Ab isme dekho K matlab kya hai, jaisa ki abhi humne bataya tha ki K is going to be 1 upon 4πε₀, right? So if you just replace it by that, then we can get this 1 upon 4πε₀ into what is this 4π capital R² into sigma, which is to be divided by small R² here, so that we can just get this 4π cancelled from numerator and denominator, and we will be left with this E is equal to kya aayega dekho yahan pe, sigma upon ε₀ into capital R² upon small R². So this is actually going to be the formula for finding the electric intensity at a point outside the hollow conducting charge sphere, sorry, at a point outside the sphere. Okay, and if you want to find out the same formula for the point at a surface of the sphere, we can use this formula here. ये वाला formula अगर हम use करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो उस केस में क्या होगा, देखो कि ये Q के बदले अगर हमने ये 4π capital R² sigma use किया, तो उसमें से 4π तो cancel होगा ही होगा, but R² भी cancel हो जाएगा, और हमको surface पे electric intensity कितना मिलेगा, तो वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं आराम से. It can be found out to be simply equal to this. The electric intensity at the surface is going to be equal to sigma upon ε₀, simply sigma upon ε₀. That's it. This R² upon R² will just get cancelled, just because this small r becomes equal to capital R when we reach at the surface. Correct है ना? ये surface पे अगर हम देखेंगे तो small r और capital R same ही बनते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे smaller and capital R will get cancelled when we will find out the electric intensity at the surface, and we'll just be left with sigma upon ε₀ simply. So remember, the electric intensity at the surface of a conducting solid or hollow charge sphere is always given by sigma by ε₀. Okay, तो ये first point हमको यहाँ पे note करना है. ठीक है, ये चाहिए तो इसका screenshot ले लो फटाफट, or just note it down so that you can just solve the MCQs based on this, and you have to learn all these things. Okay, वैसे तो same ही है दोनों तरफ, देखो conducting हो या hollow हो, दोनों के लिए results तो same ही है. Just the difference is that this is for conducting and this is for hollow, both of the results are same only. दोनों के लिए अंदर की तरफ intensity 0 होता है, दोनों का surface पे intensity KQ/R² होता है, और दोनों के लिए आउटसाइड वाला जो इंटेंसिटी है वो KQ/r² ही होता है. बिल्कुल ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द इंसुलेटिंग स्पीयर. ओके, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्पीयर. अब देखो इंसुलेटिंग चार्ज स्पीयर मतलब क्या, कि अगर सपोज एक स्पीयर है हमारे पास, ये मान लो स्पीयर है, और इसका जो मटेरियल है तो वो मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी
इसमें हॉलो स्पीयर जो है, तो हॉलो स्पीयर के लिए तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो पहले पहले वाले स्क्रीन पे, इसके पहले वाले स्क्रीन पे हमने यूज किया था, बिल्कुल। लेकिन अभी जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सपोज दिस इज द सॉलिड स्पीयर एंड वो भी इंसुलेटिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो ठीक से, ये सपोज सॉलिड इंसुलेटिंग स्पीयर है, तो उसके सेंटर से अगर हम कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे निकालना चाहते हैं जो कि स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे है, तो वहां पे द होल चार्ज ऑन द स्पीयर जस्ट बिहेव्स एज इफ इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द स्पीयर द चार्ज ऑन द स्पीयर विल जस्ट बिहेव एज इफ इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, नो डाउट। तो इसके लिए, इसकी वजह से यहाँ पे अगर क्यू इतना चार्ज इसके सरफेस पे रखा, पूरे स्पीयर पे अगर रखा हुआ है, ठीक है, अभी अभी यहाँ पे याद रखो ठीक से कि द चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट ओनली इन ऑन द सरफेस, बट इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द इन द इंटीरियर ऑल्सो, अंदर में भी चार्ज रहने वाला है क्योंकि वो इंसुलेटिंग स्पीयर है, इंसुलेटिंग स्पीयर के अंदर भी चार्ज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ कंडक्टिंग स्पीयर के बारे में ऐसा होता है कि उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ सरफेस पे ही रहता है चार्ज, बट इट इज नॉट द केस फॉर इंसुलेटिंग स्पीयर हियर। सो इंसुलेटिंग स्पीयर के अंदर भी चार्ज होता है, बाहर भी चार्ज होता है, मतलब सरफेस पे भी चार्ज होता है, नो डाउट। सो अभी इस पूरे क्यू इतने चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी पैदा होगा बाहर वाले पॉइंट पे, तो उसके लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्यू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नो डाउट, फॉर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर आउटसाइड द स्पीयर, नो डाउट, एंड इवन ऑन द सरफेस ऑल्सो। तो सरफेस पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी अभी हमने लिखा था, दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नो डाउट, कैपिटल आर स्क्वायर, दिस कैपिटल आर हियर इज द रेडियस ऑफ दिस स्पीयर इटसेल्फ, तो इस स्पीयर का खुद का जो रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर है, सपोज ये कैपिटल आर हमने मान के रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल क्यू के इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एट अ पॉइंट विच इज जस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ दिस स्पीयर, नो डाउट, बट द डिफरेंस हियर इज इन द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी इनसाइड। एक्चुअली अभी इनसाइड वाला पॉइंट अगर हम देखते ठीक से, तो अभी ये वाला फॉर्मूला जो है वो तो हमने ऑलरेडी रेगुलर में प्रूव किया ही है, ये भी प्रूव कर सकते हैं आराम से रेगुलर के बेसिस पे, नो डाउट, और वो पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला वही है, हमको पता है ऑलरेडी, इसकी वजह से उसको भी प्रूव करने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे इनसाइड वाले पॉइंट पे, मतलब ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर होगा, तो वहां पे इंटेंसिटी कितना होगा वो हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे, उसके लिए हमको गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सपोज दिस इज द चार्ज एंड सपोज दिस इज द स्पीयर एंड सपोज देयर इज अ चार्ज इन दिस वे, तो ये पूरा चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, नहीं तो वो चार्ज जो है वो हम दिखाएंगे इस तरह से, एक शेडिंग से दिखा देंगे, चलेगा ना, ये देखो ये सपोज एक ये शेडिंग है, इस शेडिंग से तुमको पता चलेगा कि वहां पे चार्ज है, द यूनिफॉर्म चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस होल सरफेस ऑफ इनसाइड दिस होल कंडक्टर, ओके, अंदर में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सोचो कि अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालना है, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट पी हियर, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि इस स्पीयर को दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक पार्ट जिसका जिसके सरफेस पे ये पॉइंट पी रहेगा, मतलब वी कैन जस्ट स्प्लिट दिस स्पीयर इन टू पार्ट्स, वन ऑफ विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ अनदर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर whose surface this point P is on, ठीक है, ये point P जो है वो जिसके surface पे है, ऐसा एक sphere हमने consider किया, तो उसके अंदर जो charge आएगा वही इस particular point P के ऊपर intensity पैदा करेगा, वो समझ सकते हो आराम से। Suppose that this is the okay, ये जो अंदर वाला जो sphere के ऊपर जितना भी charge है तो वो चार्ज ही यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी पैदा कर रहा है, बट इसके बाहर वाला जो चार्ज है यहाँ पे जितना भी चार्ज वहां पे रखा हुआ है, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दिस पॉइंट पी लाइज इन द इंटीरियर फॉर दैट चार्ज हियर,
and that's why the electric intensity at the point P here, which is inside the sphere, can be given by simply the K into Q dash upon small r square, where small r is nothing but the distance of this point P from the center of the sphere. Okay, तो अभी suppose इस center से अगर उसका distance हम मान लेते हैं suppose ये sphere है और इस center से जो इसका distance है इसको अगर हमने मान लिया है small r, ठीक है, तो इस small r के small r इतने distance पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगा तो वो बनेगा हमारा कैप के इनटू क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, बट क्यू डैश मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज द चार्ज इन दिस स्पीयर, ठीक है ना, ये जो छोटा अंदर वाला जो स्पीयर है उसके अंदर का चार्ज जो है वो हमको क्यू डैश हमको समझना है, बट अभी यहाँ पे टोटल चार्ज जो है पूरे स्पीयर के ऊपर का जो चार्ज है वो तो क्यू दिया हुआ है and this the charge in the inside this sphere is going to be q dash, so we can just say here that the charge is proportional to the volume here in this case, so charge is going to be proportional to volume and that's why this q is proportional to the total volume of the sphere and this q dash is going to be proportional to the volume of that inner sphere, ye jo chota sphere hai jiska radius small r hai to uske volume ke sath uske upar ka charge proportion mein hoga, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि q डैश अपॉन q विल एक्चुअली बी इक्वल टू v डैश अपॉन v, सो दैट वी कैन जस्ट गेट दैट q डैश अपॉन q सिंपली इक्वल टू v डैश अपॉन v, वेयर v डैश इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ इनर स्पीयर व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली 4/3 बिकॉज इट इज अ स्पीयर ना, तो स्पीयर का स्पीयर के ऊपर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, करेक्ट है, ऑन द अदर हैंड the total volume of the whole sphere is going to be again 4/3, वही formula हम use करेंगे क्योंकि वो भी sphere ही है but इसमें जो radius है उसका वो capital R use होगा जिससे capital R cube आ जाएगा, just we can just cancel this 4/3 pi from both sides and get this q dash upon q to be simply equal to small r cube upon capital R cube and hence we can just get this as, तो यहाँ पे q dash कितना मिलने वाला है हमको, q dash is obtained to be small r cube upon capital R cube into capital Q here. And just if we just put this value of q dash here in this formula, then we will be able to get the final result, which is going to be the, yes, so E will be actually equal to K kept as it is into here q dash is going to put as R cube upon capital R cube into capital Q, which is whole to be divided by R square, correct? So here R square and this one R square gets cancelled, and what we are left with is intensity at a point inside this solid insulating sphere will be actually equal to K into. अब देखो यहाँ पे एक R square cancel हो गया, एक R बचा हुआ है ऊपर, तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से capital Q into R. देखो कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ इंसुलेटिंग सॉलिड स्पीयर, रिमेंबर दिस करेक्टली, सो के इनटू क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू नोट हियर, which happens to be the electric intensity at a point inside the insulating charged sphere, okay, and if you just talk about the graphs now, to agar graph ke bare mein agar baat karte hain, if you just talk plot intensity on y axis and suppose the distance from the origin or center is plotted on x axis, then this will be the intensity and this here it is going to be the distance r from the center, then we can just be able to say that the graph will be, abhi dekho inside wala jo intensity hai us graph ka kya khasiyat dikh raha hai humko, us equation ka kya khasiyat dikh raha hai, intensity is supposed to be proportional to small r, ye dikh raha hai yahan pe, ye dekho ye baki sab to constants hai
बाकी ये स्मॉल आर ही अकेला वेरिएबल है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दैट द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विल एक्चुअली बी स्ट्रेट लाइन, बट अप टू व्हाट, कब तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, जब तक ये सरफेस नहीं आ जाता। तो सरफेस जब तक नहीं आता तब तक इसका जो ग्राफ है इंटेंसिटी का वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, नो डाउट, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। बट वंस वी रीच एट द सरफेस द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड देन अगेन इट गोज ऑन वेरिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना, और वो भी 1/r² के साथ प्रोपोर्शन में होने की वजह से वो डिक्रीज होना चालू करता है, एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस एज अ कर्व 1/r² इन दिस वे। You can just see that this graph is very, very similar to the graph which we have obtained already in case of the gravitation or gravity. याद है ना? तो gravity, gravitation के अंदर acceleration due to gravity का जो graph होता है with respect to the distance from the center, it resembles this graph actually. And also the formula is also the same actually. But वहाँ पे सिर्फ वो formula हम थोड़ा अलग point of view या अलग form में लिखते हैं, इसलिए हमको दिखने के लिए अलग दिखता है। एक्चुअली अगर सेंटर से डिस्टेंस के फॉर्म में अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही दिखता है। देखिएगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल द ग्रेविटी एट द डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस कैन बी फाउंड आउट एक्चुअली टू बी इक्वल टू जी इंटू 1 - d / R। ये तो सभी को पता होगा। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये देखो इसका स्मॉल जी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इस 1 - d / R को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा r - d / R एज इट इज, एंड एज वी ऑलरेडी कमिटेड दैट इज r - d इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि देखो d मतलब क्या होता है, सरफेस से होता है वो डेप्थ, उसको बोलते हैं डेप्थ। लेकिन अगर सेंटर से उसको अगर मेजर करो तो वो कितना बनेगा, r - d बनेगा। इसलिए यहाँ पे r - d का वैल्यू स्मॉल r ही है, it is the distance from the center. So if we just replace it by that, then we can just be able to get that is GD, which is equal to G into capital M into small r. This r minus d is going to become smaller, and that is to be divided by this r² into r, which is going to be r³ actually, which is very, very similar to this formula here. Just note, K मतलब क्या है यहाँ पे? K के बदले यहाँ पे क्या आ गया? G आ गया। क्यू के बदले क्या आ गया, एम, और आर तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है और आर क्यूब भी अपनी जगह पे। तो इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट दैट दिस फॉर्मूला वेरी मच रिसेम्बल्स द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी इन केस ऑफ द सॉलिड स्पीयर, इन साइड द सॉलिड स्पीयर। ओके, बाहर का तो हमको पता ही ऑलरेडी, दोनों की तरफ सेम ही होता है, बट इन साइड वाला ही हमको ये समझना है अच्छी तरह से। एंड इवन इससे भी आगे जाके दिस फॉर्मूला can also be expressed in terms of the volume charge density. याद रखो ठीक से, what is volume charge density? It is denoted by rho. It is defined as the total charge divided by the total volume. So if we just replace the volume of the whole sphere to be simply 4/3 pi into capital R cube. So, but again remember that in order to consider the volume charge density, we'll have to consider the volume of the sphere on which the charge is kept, and that's why we have to use this capital R in this case here. And once we use it here, we can just get the value of capital Q here, so as to get it as 4/3 into pi into capital R cube into rho, correct hai? Ye formula humko mil gaya. Abhi ye Q ka value jo hai wo agar humne yahan pe dal diya to dekho kya hoga. Ye chalo yahan pe dal diya pehle, ये आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर अगर क्यू के बदले वो डाल दिया तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से। तो जैसे कि हम जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 pi epsilon होता है, सो वी कैन जस्ट गेट दैट दिस ई विल बी एक्चुअली इक्वल टू के विच इज 1/4 pi epsilon इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज नथिंग बट दिस 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय रो एंड दैट इज डिवाइडेड बाय R square, so that we can just get this 4 pi only cancelled, and what we are left with is intensity at a point outside the charge sphere, insulating charge sphere, in terms of its volume charge density, to be simply given by this formula, where this 1/3 into
here it will be, चलो आर क्यूब बचेगा ऊपर, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई, नहीं पाई तो कैंसिल हो गया, इट विल बी आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला for the finding the intensity at a point outside the sphere. But if you want it on the sphere, on the surface of the sphere, then this small r will be replaced by capital R. So that is r square get cancelled. And what we are left with is simply rho upon 3 sigma, 3 epsilon naught. Okay? And r is also there. Ek r upar bachega. Kyunki ek r, do r ko cancel ho gaya. R square cancel ho gaya. Baki rho into r upon 3 into epsilon naught. This will be actually the formula for finding the intensity at the surface of this such a insulating charged sphere. And also that intensity at a point outside the surface can also be obtained to be simply K, which is 1 upon 4 pi epsilon naught once again into Q upon R square. So that means it is 1 upon R square into Q, where Q is going to be 4 by 3 pi R cube. Okay, this is 4 by 3 pi r cube straight by capital R into rho upon r square. नहीं, वो r square तो हमने already बाहर ले लिया है, right? इसलिए q भी बचेगा बस. So 4 pi will get cancelled, and what will be left with is simply capital R cube into rho upon 3 epsilon naught into small r square. That's it. Okay. Sure. Last two steps, kaun sa? ये वाला ओके वो तो देखो, एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज नॉट नीडेड टू रिमेम्बर. एक्चुअली इसको हमको याद रखने के से कोई फायदा नहीं है. एक्चुअली इट इज जस्ट अ मेमोरी लोड, इट्स जस्ट अ लोड ऑन मेमोरी. बट इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. क्या कंसेप्ट है यहाँ पे देखो, एक तो हमने ये तीन फॉर्मूले तो हमको कंपलसरी याद रखने हैं, ठीक है? दिस फॉर्मूले आर टू बी रिमेंबर्ड, नो डाउट, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, बट यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है देखो कि ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल उसके डेफिनेशन से हमको मिलता है. व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हम रिकॉल करेंगे 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक कंसेप्ट था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. व्हाट डज इट मीन, कौन बताएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. करेक्ट है कि नहीं? ये फॉर्मूला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का. ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? रो, उसको हम रो से डिनोट करते हैं. चलो ठीक है, डिनोट किससे भी करो, फायदा फर्क नहीं पड़ता. बट वॉट इज इट एक्चुअली? चार्ज अपॉन वॉल्यूम ना. तो चार्ज कितना है यहाँ पे पूरे बॉडी के ऊपर रखा हुआ, क्यू, और वॉल्यूम कितना है, अब ये हमको समझना है अच्छी तरह से. एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ स्पीयर, राइट? तो स्पीयर होने की वजह से उसका वॉल्यूम बनेगा 4 बाय 3 पाई आर क्यूब. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस आर मतलब कैपिटल आर एक्चुअली, क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं इस बॉडी का. तो बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बॉडी का ही रेडियस यूज करना पड़ेगा कि नहीं? जरूर. तो इससे हमको ये मिलता है कैपिटल क्यू, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 बाय 3 into pi capital R cube into rho. And now this formula, this value of Q is to be replaced here or here so as to get modified these two results, or even here also we can just modify these two results, three results. Ye teeno results hum modify kar sakte hai by using this formula.
बट ये कभी करना है, ये भी हमको याद रख समझना है, कभी भी करते बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं, कभी करना है हमको ये, when the volume charge density of that insulating charge sphere is given, okay, अगर volume charge density दिया हुआ है तो हमको इस चार्ज को volume into density ऐसा express करना है और उसको इस चार्ज के फॉर्म में चार्ज के बदले डालना है. तो अगर हम वो डाल देंगे तो देखो यहाँ पे E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, which is the value of K actually, into ये जो पूरा है ये तो Q का ही value है, ऊपर का जो यहाँ पे numerator जो है ना यहाँ पे ये वाला, ये पूरा एक Q का वैल्यू है, देखो चेक करो एक बार ठीक से, ये पूरा ही हमने यहाँ पे डाल दिया है, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ओके. और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर वो तो यहाँ पे ही था, इसलिए ये आर स्क्वायर यहाँ पे हमने नीचे डाल दिया इधर एज इट इज, ओके. अभी इसमें से क्या होगा रे ठीक से, कि 4π विल गेट कैंसल्ड एंड बाकी जो बचेगा वो बचेगा, तो यहाँ पे आर क्यूब बचा, रो बचा, और नीचे इप्सिलॉन नॉट बचा, 3 भी बचा और आर स्क्वायर भी बच रहा है, करेक्ट है. तो इसलिए जो भी बचा है वो हम अगर आप एज इट इज लिख देंगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज अगेन आई विल रिपीट दैट नीड नॉट टू रिमेम्बर एक्चुअली, वी शुड बी एबल टू डेवलप इट और डिराइव इट वेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चार्ज स्पीयर के लिए हमने ये बनाया है फॉर्मूला, ठीक है. तो स्पीयर होने की वजह से वो उसके बाहर में या बाहर वाले के लिए या सरफेस के लिए ऊपर या अंदर में, ये तीनों फॉर्मूले अगर याद रखेंगे ठीक है, बट दीज फॉर्मूले आर इन टर्म्स ऑफ क्यू, दैट इज द चार्ज. इफ यू आर गिवन विद द सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनस्टेड ऑफ दैट, देन इन दैट केस वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वी विल हैव टू रिमेंबर दिस थ्री मोर फॉर्मूले विच विल बी वेरी हेक्टिक एंड नॉट नीडेड एक्चुअली. जस्ट रिमेंबर दैट वेन एवर द सर्फेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन, वी हैव टू रिप्लेस द चार्ज बाय सिंपली वॉल्यूम इन टू डेंसिटी. ये देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब, तो ये फॉर्मूला जो है वो एक ही फॉर्मूला अगर याद रख लेंगे तो तीनों के लिए वही फॉर्मूला काम करेगा. देखो यहाँ पे क्यू के बदले हमको क्या रिप्लेस करना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, दैट्स इट. सो वंस वी गेट दिस क्यू रिप्लेस बाय दिस होल थिंग, वी कैन जस्ट मॉडिफाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो वेन एवर रिक्वायर्ड. जब चाहिए तब तीनों फॉर्मूले हम ये कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रो के फॉर्म में, मतलब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सेम वैसे ही जैसे हमने इसके लास्ट वाले इसमें देखा कि यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि कंडक्टिंग स्पीयर है ना, कंडक्टिंग स्पीयर या हॉलो स्पीयर है, तो उस केस में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड, अंदर चार्ज है ही नहीं, तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, वो तो जीरो ही आएगा, नो डाउट. इसीलिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस हियर, बिकॉज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस नॉट इन द इंटीरियर, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन बिकम्स एक्चुअली द चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्पीयर. तो इसलिए फिर चार्ज तो क्यू है और एरिया कितना है, 4πr². So here we have to express this Q in terms of surface area and the charge density or surface charge density, which is denoted by sigma here. Remember this sigma is different and rho is different. तो याद रखो ठीक से, नहीं तो कई कई बच्चों को उसमें भी confusion होता है. देखो ये जो है ये sigma है, this is called as surface charge density, okay? But on the other hand, this is a rho and rho is nothing but volume charge density, correct है? Volume charge density, which is different actually. So surface charge density के लिए हम क्या कहेंगे? It is going to be the charge upon area, whereas the volume charge density is actually going to be charge upon volume. तो volume और area में जितना difference है, वही difference is surface charge density और volume charge density के बीच में है. बिल्कुल याद रखने से. So इसलिए यहाँ पे हम sigma use कर रहे हैं सब तरफ. ये देखो यहाँ पे sigma use किया हमने हर तरफ. क्योंकि इस चार्ज जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली, बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ द इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्पीयर व्हाट हैपेंस इज द चार्ज इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटीरियर. चार्ज जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये चार्ज जो है वो अंदर में भी घुस गया है और चार्ज अंदर जाने की वजह से ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करना ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस क्यू इन टर्म्स ऑफ rho in this case here, for this reason, okay.
बाकी बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तुम कर सकते हो, कौन कैंसिल हो गया, कौन क्या हो गया, तो उसकी वजह से कौन बचा, वो तो तुम खुद खुद भी कर सकते हो, नो डाउट. बट अगेन आई विल रिपीट दैट दिस फॉर्मुली आर नॉट नीड टू बी रिमेम्बर, बट वी हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस वन फॉर्मूला हियर एंड ऑल दीज थ्री फॉर्मूले कंपल्सरीली. देखो ये तीनों फॉर्मूले जो है वो हमको कंपल्सरी याद रखने हैं. एंड ऑब्वियसली ग्राफ, ग्राफ तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ तो जस्ट देखने से हमको लर्न हो जाएगा, नो डाउट. चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज गॉस थ्योरम एंड इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज अबाउट द स्पीयर, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर. तो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का हमने आज दोनों टाइप्स देखे, एक तो होलो वाला भी देखा और सॉलिड वाला भी देखा. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सिलिंड्रिकल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे एंड गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस है उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे. मीनवाइल आई विल ऑल्सो जस्ट पुट इन द शेयर लिंक्स सम एमसीक्यूज ऑफ लेवल 1 फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो ये जो हमने आज टॉपिक किया उसके ऊपर बेस्ट कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दे दूंगा ऐप के अंदर, तो वो सॉल्व करके रखना, सो दैट वी कैन जस्ट डिस्कस इट टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलो, सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.